Assalamu alaikum, student. I hope you all will be fine. Welcome to the online classes of the educators, Anabad campus. I am your computer teacher, Aksa Noreen. Student, we are reading our unit number two uses of computer. टुडे स्टूडेंट हम देखेंगे कि कंप्यूटर और कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो एट शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर कैन बी यूज टू कीप आ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड देयर प्राइसेस जो कंप्यूटर है बेटा वो डिफरेंट आइटम्स जो है ना डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है और उनकी प्राइसिस का भी रिकॉर्ड रखता है ठीक है और कंप्यूटर कैन बी यूज टू मेक एंड प्रिंट बिल्स और जो कंप्यूटर है वो क्या करता है इस लिस्ट की मदद से ए, क्या करता है बिल बनाता है और हम फिर उसका प्रिंट लेते हैं बेटा आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हो जैसे स्पीक में है ना तो वो क्या करती हैं कंप्यूटर होता है ठीक है वहाँ से स्कैन करती है हर चीज़ हर चीज़ों को और फिर उनकी कंप्यूटर के अंदर लिस्ट आ जाती है और उनकी प्राइसेस प्राइस price भी आ जाती है ठीक है और वो प्राइस को कैलकुलेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इतना बिल बन गया फिर आप उतने पैसे दे देते हो ऐसा ही होता है ना तो इस तरह से भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब इन ऑफिस इन ऑफिसिस में कहाँ कहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल होता है और किस किस काम के लिए होता है कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू टाइप लेटर्स एंड डोकूमेंट्स तो बेटा कंप्यूटर जो है खात तो और बहुत सारे डॉकोमेंट जो है ना उनको टाइप करने के लिए लिखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ठीक है कम्प्यूटर्स कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर है बहुत सारी जो है ना मालूम को महफूज़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कम्प्यूटर्स हेल्प टू मेन्टेन ऑफिस रिकॉर्ड्स तो जो कंप्यूटर है क्योंकि बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है तो इसी तरह ये बहुत सारे जो ऑफिस रिकॉर्ड है ना वो महफूज करता है उसको मेंटेन करने में भी हमारी मदद करता है ठीक है कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव ई मेल्स कंप्यूटर से हम अपनी ईमेल्स को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ठीक है तो बेटा इस डायग्राम में देखिए पिक्चर में देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं ऑफिसिस में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ठीक है कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहा है होगा कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं ठीक है और कुछ ईमेल सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो इस तरह से ऑफिसिस में भी बहुत जगह पर जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं बेटा फॉर डिज़ाइनिंग कंप्यूटर्स कैन बी यूज बाय डिज़ाइनर्स टू डिज़ाइन बुक्स क्लॉथ्स ज्वेलरी एंड सो ऑन बेटा कंप्यूटर जो है ना हमारे बुक्स का डिज़ाइन करने के लिए हमारे कपड़ों हमारे ज्वेलरी को डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स कैन बी यूज बाय आर्किटेक्ट्स टू डिजाइन बिल्डिंग जो कंप्यूटर है ना आर्किटेक्ट्स मीन होता है बेटा जो बिल्डिंग नक्शे बनाते हैं ठीक है थीके? तो जो कंप्यूटर है ना आर्किटेक्ट यूज करते हैं बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए ठीक है कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड बाय इंजीनियर्स टू डिज़ाइन कार्स एरोप्लेन्स रोबोट्स एंड सो ऑन जो कंप्यूटर है इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं कार्स एरोप्लेन जहाज़ों को रोबोट्स को डिज़ाइन करने के लिए और बहुत सारे और चीज़ों के लिए भी इंजीनियर जो हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ना कंप्यूटर हमने आज पढ़ा चलिए बेटा आज हम थोड़ी सी इसकी मशक़ की तरफ भी चलते हैं एक्सरसाइज देखते हैं ठीक है तो पेज नंबर नाइनटीन पे आपने देखना है आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऑप्शन दिए गए हैं होम रिसर्च डिज़ाइन हॉस्पिटल्स ए तो बेटा इन्हीं अल्फाज को देखते हुए हमने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है नंबर वन आ कंप्यूटर इज़ यूज टू टेक आउट मनी फ्रॉम एन तो बेटा हम जो कंप्यूटर से मनी निकालते हैं वो किससे निकालते हैं ए टी एम से तो हम यहाँ ए टी एम राइट कर देंगे ठीक है नंबर टू कंप्यूटर्स आर यूज बाई इंजीनियर्स टू डैश कार्स तो बेटा अभी अभी हमने रीड किया है जो इंजीनियर्स हैं वो कार को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम डिज़ाइन यहाँ राइट कर देंगे ठीक है नंबर थ्री कंप्यूटर्स आर यूज एट डैश टू प्ले गेम्स तो बेटा कंप्यूटर को हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना गेम्स खेलने के लिए हम घर में बैठ के है ना गेम्स खेलते हैं तो होम्स के अंदर जो है हम प्ले गेम्स गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं नंबर फोर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर स्पेस डैश तो कंप्यूटर्स को हम भलाई चीज़ों को रिसर्च करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना तो हम यहाँ करेंगे रिसर्च ठीक है तो यहाँ करें नंबर फाइव कंप्यूटर्स आर यूज टू डायग्नोज इलनेस ऑफ पेशेंट्स इन डैश तो बेटा डायग्नोज जो बीमारी को डायग्नोज किया जाता है मरीज़ों की कहाँ करते हैं हम इन हॉस्पिटल्स तो बेटा यहाँ हॉस्पिटल्स आ जाएगा ठीक है तो बेटा आपने फिल फीलिंग द जो है अपने बुक के ऊपर राइट कर लेनी है और इसको याद करना है और अपनी जो रीडिंग है अच्छे से करनी है ठीक है तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको याद करोगे थैंक यू सो मच स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़